हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, नमस्ते। जितने लोग जुड़े हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। हाय रिया श्रीवास्तव जी, हाय मैक्स गुरु जी, हाय अरविंद आनंद जी, हाय गोल्डन तिवारी जी, हे प्रियांशु सिंह जी, जितने लोग जुड़ गए हैं सभी को हेलो एक ही बार। अगर किसी का नाम छूटेगा, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ गए हैं तो सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, का हाल बा कल्लू जी, ठीक है, राजरंजन जी, एंड बहुत दिन हो गया था इंस्टा पे लाइव आए, और एक दिन आया भी था तो कनेक्शन की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन वीक था इसलिए कट गया था। तो आज घर पे था, सोचा आप सभी से कुछ टाइम मिला था तो सोचा आप लोग से रूबरू हो जाए जाए। राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, मिस्टर सूरज गुप्ता जी, मैं अच्छा हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं मुझे जोड़िए, मुझे जोड़िए, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा जोड़ने के लिए आप सभी को। न्यू सॉन्ग कब रिलीज होगा? हरिंद्र जी, जी उसी के लिए लाइव आया हूँ। आज शुभ लाभ फिल्म से, आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे शुभ लाभ फिल्म, उसी पे एक मेरा नया सॉन्ग आया हुआ है, यारवा बक्सर वाला। ऐसा नहीं है कि केवल बक्सर के लोग ही सुन सकते हैं, उसका जो यार है वो बक्सर का है, तो इसलिए बक्सर मैंने गाया है, और मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, और काफ़ी जब भी मैं जाता हूँ तो सभी अपना ही जिला है, सभी अपना ही घर है, जहाँ मैं जाऊँ वहीं पर, क्योंकि दर्शक जो होते हैं केवल बक्सर के लोग ही सुनेंगे तो हमारा गाना तो हिट होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जिला को टारगेट किया हूँ, सभी लोग हमारे अपने हैं, बट MP3 मस्त है जी। MP3 रिलीज हुआ है यारवा बक्सर वाला शुभ लाभ फिल्म से, तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग यूट्यूब पे सर्च करिए और यारवा बक्सर वाला सुनिए, पवन 999, मस्त सॉन्ग बा भाई, धन्यवाद। देखिए रोहित सिंह मट्टू जी ज्वाइन हो गए हैं, भैया को नमस्ते। बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है बट मेरे इंस्टा में, मेरे आईडी में कुछ इशू हो गया है, मैं किसी को ये नहीं कर पा रहा हूँ। सिंगर अनुपमा यादव जी, हेलो अनुपमा जी, कैसी हैं आज? कौन है मिक्की माउस? जय हो कल्लू नमस्ते, बाबा अरे की, जय बाप रे, हो। एक साथ दो दो मतलब अच्छे अच्छे बंद करो। मट्टू भैया नमस्कार। हाँ हेलो, कैसे हैं? नमस्ते, हेलो अनुपमा जी, कैसी हैं? प्रणाम भैया, मट्टू भैया को प्रणाम। कैसे प्रणाम प्रणाम, हैं बढ़िया। और आप कैसे हैं कल्लू जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। आपको मैं आपका मैसेज देख के मैं आपको कॉल करने जा रही थी, लेकिन देखी तो आप इस पे इंस्टा पे लाइव थे इसलिए हम कॉल नहीं किए। जी अरे मट्टू मौसा, एकदम आप गोरे हो गए जी अचानक से, नहा के आइए सब क्या? अच्छा, फेक सब लगा। सीख गए हम, इंस्टा नाम में बहुत कुछ नहीं आता ये रोहित सिंह मट्टू मौसा है, इनके आईडी को आप लोग फॉलो कीजिए। और था। कुछ मैंने 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 फॉलो कर दिया है, आप सभी भी कीजिए। ये आदमी ऐसे हैं, ऐसा कसम धरा है मेरे को कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब लग गया, आज लग गया, आज पब्लिकली आज मैंने इनविटेशन कल। भेजा है इनको, हाँ मेरे बिल्कुल, बारे में लोग इनके उनको मेरे बारे में, मेरे बारे में क्या, इनका बेटा ही मेरे खिलाफ का जाने क्या क्या बोल देता है, बहुत तेज है वो। और जानते बताइए हैं कैसे अनुपमा हैं? जी, आप दोनों लोग कहाँ हैं ये बताइए। मैं तो अभी मैं पटना में बनारस, हूँ। मैं बनारस। वाह, मैं भी पटना में भैया। वाह,
दो आदमी पटना में, एक आदमी बनारस में। काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। कब आओ आज बॉम्बे? कब आओ तेरा बॉम्बे? नहीं, 23 तारीख से, यानी कल से मेरा एक फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हो रहा है बनारस में, सुजीत सिंह जी कर रहे हैं, जलवा फिल्म का नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके ओके, वाह। हम लोग को भी किस्मत चटकती, हम लोग को भी कुछ रोल रोल मिलता। अरे नहीं, अरे उस दिन भैया का बस चलता तो हमको पिक्चर साइन करा देते, मटरू भैया का बस चलता तो जबरदस्ती हमको। हाँ प्रमोद जी, उस दिन प्रमोद जी को कहे कि अभी कीजिए, आप बाद में क्या कीजिएगा, अभी कीजिए। हाँ तो क्या बता रहे थे मटरू जी? आप बताइए बताइए कुछ आप बता रहे थे। कौन हम की अनुपमा जी? नहीं, आप कुछ बता रहे थे मटरू मोसा, कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ। कि मैंने क्या बोला उस दिन, प्रमोद जी कुछ डिस्कस कर रहे थे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस अभी तैयार है, तुरंत अभी साइन कीजिए, और क्या आप क्या सोचना है। उस दिन पता ही साइन भी करा देते। हम तो पूरा बोल दिए। धूप गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। पटना में गर्मी नहीं है, अभी ठंडा है। बाप रे बाप, यहाँ पर 4 डिग्री है। बनारस में गर्मी है। आशु भैया क्या बोल रहे हैं, बनारस में बर्फ पड़ रहा है, आइए। क्यों, वहाँ जोगी बाबा पहुंचे हुए हैं ना, इसलिए वो तो बोलवे किया है कि मई जून में भी शिमला बना देंगे। और बताइए, वही है अभी। और बताइए, सब बढ़िया? कहाँ है आशु भैया? और तो एक बबुआ के पापा, आइए जी। हाँ हाँ, जरा बुला बाबा। हेलो बाबा, आशु बाबा हैप्पी बर्थडे। अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे बेटा, लोग को हैप्पी बर्थडे। हमारे बेटा थोड़ा के बर्थडे तो हर बेटा बराबर का। चलिए आशीर्वाद बना रहे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद अनुपमा जी, धन्यवाद यार। ये हमको ज्यादा कोरा लग रहा है यार, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अच्छे लग रहे हैं मौसा हम। कल्लू जी से फिल्टर हम बढ़िया वाला लगाए हैं। ये आप लड़की वाला फिल्टर लगाए हैं? लड़की वाला लगाइए आप। नहीं, वो लड़की वाला लगाए, लाल लाल दिख रहा है मटरू जी। तो मेरा, हाँ मेरा लड़की वाला है क्या? लड़का वाला कैसा होता है? एक बार हम बना दिया था, शंकर भगवान बना दिया था सब। शंकर भगवान? हाँ, हमको नहीं आता है, हमको जो समझ में आता है उसको दबा देते हैं कि जो लगे, लड़की लगे, लड़का लगे। किसको कैसे लगाना है? हैप्पी बर्थडे भैया, मेरा नहीं है, मेरा भतीजा का 20 तारीख को था। आपको भी बहुत प्यार दिया, शुक्रिया। लाइव में ही बात करना है क्या? लाइव में सब नहीं, मैं तो 25 तारीख को बॉम्बे जा रहा हूँ, 27 तारीख के अवधेश जी के बच्चे का शादी है। हाँ हम 27 तारीख। चलिए और सब बताइए, सब बढ़िया? आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? खाना वाना खा लिया? अनुपमा जी, शो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अरे भाई, इस समय शो तो आप कर रहे हैं भाई, और मुझे फोन करके बताया जा रहा है कि हेलो, आज उनके साथ शो है। ए कल्लू, कल्लू बाबू जी, सुनिए, हमको भी शो में ले चलिए कभी। चलिए चलिए, पक्का 9 तारीख को चलिए सिद्धार्थ नगर। चलिए डन हो गया, चलिए डन। 9 को चलेंगे हम लोग। हाँ, 9 तारीख को कोई फ्री तो है नहीं, आज तक हम लाइव शो में कभी गए नहीं है। अरे मैंने, चलिए बहुत मजा आता है, बहुत मजा आएगा लाइव शो में। ऐसा शो रहे कि जिसमें उपमा जी रहे, तुम रहो, जहाँ पे मटरू भैया हम और कल्लू जी रहे ना, सिर्फ आशु बाबा को देखो, वहीं चलेंगे। दिल ना लगैया गाइए, तो हम गाएंगे ये पैसा के साथ। बहुत सारे दर्शक लोग जुड़े हुए हैं, वाह।
चलिए और एक बार कल्लू जी ने ऐसा कहा कि सब ठीक है फिर। चलिए थैंक यू वेरी मच कल्लू बाबू, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अरे मटू मुता, हम लोग की विजेता फिल्म रिलीज हुई है। हाँ, उस पे बात किया जाए कुछ। आप है ना, हम है ये हैं, आप है उसमें? नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है क्या। अरे हाँ, है मेरे दोस्त बने हैं आप। हाँ है, हाँ, याद आया, याद आया, वो तो ठीक है। जी जी वाले में है कि नहीं, विजेता में तो है कि नहीं है, वो तो हो गया रिलीज। आप और पब्लिक लोग बहुत अच्छा, इतने कम दिनों में YouTube पे 2 मिलियन व्यूज दे दिए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने विजेता फिल्म नहीं देखा है, सारे लोग देखिए। और पहला ऐसा फिल्म है जो इतने सारे कमेंट और इतना सारा मेंशन करके बस यही लोग बोले कि भैया लास्ट में तुम और कहाँ गए, भैया लास्ट में आपने रुला दिया, भैया आपने मतलब। हाँ ये गलत, ये थोड़ा सा लग गया, लेकिन क्या कीजिएगा, कहानी का डिमांड था दोस्तों, तो थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए था, वो पब्लिक को और अच्छा लगता है आपका वैसे। आपका काम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया। अरे आप सब, आपका प्यार है, आपके हर फिल्म में मैं अच्छा कर देता हूँ आपको देख के। कल्लू जी हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, सबसे प्रिय हीरो में से एक हैं, और जी मैं कोशिश करता हूँ कि कल्लू जी की हर फिल्म में रहूं। इसलिए लाइव में भी बोलते हैं लेकिन लेकिन रह नहीं पाते हैं। नहीं, नहीं, मैं भी आंसू चाहता बाबा हूँ, आंसू बाबा नहीं चाहते हैं। जब भी आपके साथ काम करते हूँ मजा आता है। और सबसे पहला नाच रे पत्थर की नागिन जैसन जो सबसे पहला रील हम लोग बनाए थे, वो तरकी की जगह यस मोटका आप ही के साथ हम किए थे। आज भी मेरे फेसबुक पे वो है, इंसा से कहा कैसे उड़ गया। उसको पहला रील हम लोग बनाए थे, आंसू बाबा बोले बारे पतर की बारे मोटकी, हाँ आंसू बाबा का कमेंट था, याद है हमको। तो उड़ा नहीं है, तो उड़ाया तुम गया है, उड़ा उड़ गया वो उड़ाया उड़ उड़ाया गया, उड़ाया गया है, गया। उड़ाया गया। ऑडियो म्यूट हो गया था। तो उड़ा दिए अब क्या करें, फालतू का रख के क्या फायदा। फिर तो उसको फिर से डाल दीजिए, हाँ से मिले तो फिर से बना के डालेंगे। फिर से बनाया जाएगा। टू ओ वाला पे नाच रहे पत्थर की, नागिन टू थ्री पे ओ अपना, नागिन थ्री पे, नागिन नागिन थ्री थ्री, आने वाला है। नागिन थ्री पे हम लोग बनाएंगे। चलिए रोहित सिंह मट्टू जी, ये हमारे भोजपुरी के बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप लोग इनके इंस्टा आईडी को फॉलो करिए। हो गया प्रमोशन। हाँ थैंक यू कल्लू जी और माता रानी महादेव, आपको ऐसे ही दिन रात तरक्की देते और रहे। इनको हम और मैं हर लोग, ये हमारे मैं भैया हैं, लेकिन मस्ती मजाक में इनको हम लोग मौसा जी एक फिल्म के माध्यम से बोलते रहते हैं, वो हम नहीं हाँ बताएंगे मटरू क्यों मौसा, बोलते इन्होंने नाम रख दिया है मेरा, भोजपुरिया मौसा। हैं। लव यू कल्लू चले बाबू, ठीक है भैया। आंसू बाबा। तो ये हमारे कुछ इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे। तो आप सभी के बीच में हमारी फिल्म विजेता YouTube पे लॉन्च हो चुका है, फुल फिल्म, आप लोग उसे देखिए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जिन लोगों ने देख लिया उन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग प्लीज देखिए और अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिए। और आज आइल बस सुबला फिल्म से जिला बक्सरवा वाला नाम यार बक्सर वाला, तो आप लोग उसे भी देखिए और अपना प्यार दीजिए। और मैं कोशिश करता हूँ जितने लोग को ऐड कर सकूँ, तो गाना आज वाला बेजोड़वा जी, धन्यवाद। कुमार वाला ना, जिला बकसरवा वाला ना, किसको किसको ऐड करो, बहुत सारे लोग हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से नाच रे पत्थर की नागिन जैसन आज भी टॉप 20 इंडिया के यूट्यूब म्यूजिक पे है, यूट्यूब म्यूजिक वीडियो में, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और एक गाना और आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं,
जिस गाने का नाम है रेड़ियां के तेलावा, उठा तो दर्द होके बैठो तो दर्द। तो आप लोग उस गाने को ढेर सारा प्यार दे, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहेंगे सारे हमारे इंस्टा से जुड़े भाइयों को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे फैंस को। 1 मिलियन फॉलोअर्स आप लोगों ने कंप्लीट किया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग का प्यार यूं ही सदैव बना रहे, क्योंकि आप लोग के प्यार के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। भैया हम देवरिया से जी, सूरज पांडे जी। तो आज शुभ लाभ तुम से आयल भाई यारवा बक्सर वाला होकर के देखी लो, और अपन ढेर सारा प्यार दे लो। और एक दो लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो लाइफ से जुड़े। हेलो, ब्लैक ब्लैक दिख के बाद हाँ प्लीज भैया एडमिन जी भाई। भाई खेत खलिहान कौन दिखा रहा है लाइव में आके? हाँ हाय कल्लू भैया, हेलो, क्या हाल है, कहाँ सब ठीक है भैया? से हो बाबू आप? भाई हम बिहार से, बिहार से भैया, कहाँ से? बिहार 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 में कहाँ से? अच्छा बिहार बिहार शरीफ से बोल रहे हैं। बिहार से, चलिए बहुत अच्छा, आपका बहुत बड़ा फैन है भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका स्टोरी भी चलाते हैं लेकिन कभी भी आप टैग नहीं मारते हैं। क्या नाम से आपका आईडी? वो ये विराट राज भैया भैया ठीक ठीक है बाबू, हम अगला 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 बार पक्का हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक हम आपका कल पक्का स्टोरी चलाएंगे भैया, प्लीज आप टैग कर दीजिएगा है प्लीज। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखिए। कोशिश करते हैं जब भी फुर्सत में रहते हैं तो जो भी भाई लोग कुछ भी अच्छा रील्स बनाए या कुछ भी अच्छा स्टोरी बनाते हैं उसे मेंशन करने का। हाँ मरवा हेलो हाँ भैया नमस्ते नमस्ते, भैया, नमस्ते, कैसे हैं? सब बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली मेट्रो में हूँ, अच्छा वाह बहुत अच्छा, दिल्ली मेट्रो RRTS। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारे जीजा जी भी मेट्रो में हैं। भैया याद है आप एक बार आए थे लार जगदीश जगदीश मटियारा में? हाँ, सलेम कुर्ला रोड ना। हाँ हाँ, आए थे आए थे, वो स्कूल मटियारा जगदीश में आप आए थे, स्कूल के फंक्शन में। आप और रितेश भैया आए थे। हाँ हाँ, स्कूल के फंक्शन में वही से आप। मैं भी वही से, चलिए ठीक, रुकिए भैया एक स्क्रीन शॉट ले लूं। चलिए मन लगा के काम कीजिए और भोजपुरी गाने को, भोजपुरी फिल्म को, भोजपुरी भाषा को क्या कीजिए। वाह, ये इंस्टाग्राम ऐसा है कि आदमी कहीं भी रहे एक दूसरे से जुड़ सकता है। भाई अभी कॉल मत करो, हाँ बिहारी जी।
तो चलिए आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। इतना सारा रिक्वेस्ट आया है कि मैं अगर एक दो क्लिक कर रहा हूं तो लव यू सनीश जी एंड कुमार पांडे दीपू जी। हेलो नहीं कीजिएगा ऐड भैया, ऐड तो इतना सारा रिक्वेस्ट आया किसको किसको ऐड करें। और आप सभी को बताना चाहते हैं कि अभी है आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार, दो दिन बाद फिर से मंडे को सारेगामा हम भोजपुरी से एक बहुत ही तगड़ा सॉन्ग आने वाला है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। एकदम वीआईपी वीडियो, नंबर वन वीडियो, जिसे आप देखेंगे तो बोलेंगे कि नहीं गाना है तगड़ा। और आवाज नहीं आ रही है, लोग तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो कलो भैया। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? एकदम ठीक है, ठीक। थैंक यू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, बाप रे आप ठीक है। सर आप कहाँ पे हैं अभी? रांची नहीं आना है क्या? मैं तो हूँ अभी अपने घर पे हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं सूरत से हूँ लेकिन अभी रांची नहीं आई हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, एक स्क्रीन शॉट भैया प्लीज ले लीजिए। हाय विशाल पासवान जी, अंजलि पाल जी, हेलो। लड़की से बात करवाना भैया, ऐसा बात नहीं है। हेलो 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 सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मुझे तो लगा ही नहीं था आप लाइव में लोगे मेरे को। तो एक जगह रुक जाइए, एक जगह अपने आप को स्थिर रखिए, कैमरा बहुत हिल रहा है आपका। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते, अभी तो मेकअप करने की जरूरत भी नहीं, इफेक्ट आ गया अच्छे अच्छे लगा के गोरे हो जाएंगे आप, वैसे लग भी रहा है। सर नहीं, लड़कियों पे सूट भी करता है इफेक्ट। सर आप पे भी सूट करता है? नहीं अभी देखो मेरे पे कहाँ सूट कर रहे हैं। आप ऐसे ही सुंदर हो ना, हम लोग को लगाना पड़ता है सुंदर बनने के लिए थोड़ा सा। आप ऐसे ही बहुत बहुत क्यूट हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। कहाँ हैं आप, कलकत्ता है या पटना? कोलकाता। चलिए आप कब आ रहे हैं? कोलकाता अभी तो कोई प्लानिंग है नहीं, अभी तो बनारस में शूटिंग है, होगा तो बताएंगे, पता तो आपको चल ही जाता है। हाँ ऐसे घूमने आ जाइए। हाँ 4 महीने बाद तो घर पे आया हूँ, तो थोड़ा सा घर पे रह लूँ, इसके बाद फिर घुमाई घुमाई होगा। पर घूमने आप लोग नहीं आते? आज एक बहुत बढ़िया गाना आया है, कौन सा? यरवा बक्सर वाला, यरवा बक्सर वाला। रील्स पे अभी अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा बनाएंगे। आप लोग, हाँ अरे नहीं,
आप ही लोग की वजह से रील्स पे छाया रहता है, आप सभी क्रिएटर्स लोग के दिल में जो सच्चाई है सो सच्चाई। नहीं, गाना बहुत अच्छा रहता है आपका। जी धन्यवाद, कोशिश रहती है अच्छा बनाने की। छोटू अरे ठीक, कहाँ है? छोटू बाबू परसों बर्थडे था, कहाँ है रुद्रम? सोया होगा अभी, बबुआ के पापा जगे हैं। उनको नमस्ते बोल दिया, नमस्ते बोल रहे हैं कोई, वो जान गए। नहीं आशीर्वाद उसने चाहिए। बोले खुश रहिए, जल्दी से शादी विवाह हो आपका। शादी अभी एज नहीं हुआ है, मैं बहुत छोटी हूँ। ठीक है, 2-4 साल बाद ही हो जाए, पढ़ाई लिखाई करिए तब। तो नहीं पढ़ाई लिखाई मत बोलिए, कुछ और बोल दीजिए। जो भी आपका ड्रीम हो वह जल्द पूरा हो, रील्स पे जल्दी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन फॉलोअर्स हो आपके, और कुछ नहीं इतना काफी है ना? अब अगले बार आशीर्वाद ले लीजिएगा। सामने से बोल हाँ जी, कभी आइए सकते। घूमने। आप तो बनारस आते हैं फिर चले जाते हैं घूम फिर के, अच्छा है। नहीं आप बिजी होते ना शूट में। चलिए, और सब बढ़िया है ना? मस्त ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। चलिए तो आप सभी लोग शुभ लाभ फिल्म्स पे जाइए, और यारवा बक्सर वालों को अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, एंड रेड़िया के तिलवा को जो आप लोग प्यार दे रहे हैं, धीरे 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 उसको थोड़ा स्पीड पकड़ाइए। नाच रहे पत्थर की को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और भी दीजिए। और विजेता फिल्म्स को देखिए, यूट्यूब पे आ चुका है, और मलंग भी आया है कैप्टन पे, और कल्लू कृष्णन, उसे भी आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और सोमवार को आएगा आप सभी के बीच सारेगामा हम भोजपुर से तगड़ा सा। हम वीडियो करने वाले थे और भी कंपनियों के, बट इतना ना बिजी शेड्यूल है, और आप सभी भी जानते हैं कि लगन चल रहा है तो कोई भी फ्री नहीं है। तो और भी कंपनी जैसे वेव है, सारके है, एस फॉर यू है, इससे भी धीरे धीरे सॉन्ग करके आएगा। तो आज शुभ लाभ फिल्म पे आया, आप लोग शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जल्द रील्स पे आएगा तो रील्स पे वीडियो ढेर सारा बनाएगा। मंडे को मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम में 3 मिनट के लिए गाना सुनने के लिए क्या एग्जाम खराब हो जाएगा? एग्जाम दे लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, एग्जाम दे के आइएगा, तब आप गाना को सुनिएगा, पढ़ाई फर्स्ट है। तो चलिए ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, और आप लोगों ने इंस्टा पे 1 मिलियन किया, बहुत जल्दी 2 मिलियन कीजिए, 3 मिलियन कीजिए, और फेसबुक का ये भी मेरा 6.3 मिलियन आप लोगों ने, 6.3 मिलियन उस पर भी आप लोगों ने फ्लोर्स केस के लिए दिल से शुक्रिया। और हम लोगों के बीच हमारे बड़े भैया देव सिंह जी आ गए हैं, विजेता में जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, कहाँ हैं, उनको जोड़ा जाए। बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो शायद आए हैं, देव सिंह जी उपस्थित हों, अगर टाइम होगा तो वो जरूर आएंगे, हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि हमेशा जुड़ते हैं। अभी तो एक से एक बढ़ के गाने और एक से बढ़ के एक फिल्म आने वाले हैं, बस आप लोग ऐसे प्यार और आशीर्वाद दुलार बनाए रखिए। और जो भी कुछ भाई लोग अंड बंड कमेंट कर रहे हैं, भैया अपने पास कमेंट रखिए, क्यों सब फालतू का कमेंट इस सब में करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। भैया आज आपका गाना सुनने बक्सर वाला अच्छा लगा, थैंक यू भैया। प्रतापगढ़ के भी लोग बहुत पसंद करते हैं, जी भाई प्रतापगढ़ आने वाले हैं बहुत जल्द। हाय बीबी भोजपुरिया, ना 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 ना। इस
यरवा थरवा वाला रे सखी बकसरवा वाला रे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही।